जब अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ जैसे एक्शन हीरो को देखने पब्लिक थिएटर में नहीं जा रही है तो लगता है कोई गली का कुत्ता भी क्रिटिक से, गोदी मीडिया से, जो भी आपको करना है छाप दो, फिल्म चलती है ऑन इट्स माउथ पब्लिसिटी टुडे प्योर। कोई लोग बोलते हैं डिसेंट है एवरेज है, सर ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है डिसेंट एवरेज की। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों हमारे साथ में आ गए हैं राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी इन द लव्ड एंड फेवरेट शो इनसाइड रिपोर्टर। स्वागत है आप दोनों का बॉलीवुड प्रेमी। शुरुआत हम मई के महीने से करेंगे, जो फिल्में रिलीज हुई और जो अभी आखिरी हफ्ता है जो दो फिल्में और रिलीज होने वाली है। मैं नरेंद्र जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जो फिल्में रिलीज हुई है श्रीकांत, कर्तम भुक्तम और अभी भैया भैया जी, कैसा रहा परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पे? 10 मई को रिलीज हुई थी श्रीकांत। ट्रेलर काफी अच्छा था, बायोपिक थी, राजकुमार राव की काफी प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनी होगी। फिल्म डिसेंट बनी है लेकिन सेकंड हाफ फिल्म का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। यही वजह है कि फिल्म को फर्स्ट वीक की ओपनिंग मिली 18 करोड़ और सेकेंड वीक में पिक्चर गिर के हो गई 13 करोड़। टोटल 2 वीक का रहा कलेक्शन 31। प्रॉब्लम है फिल्म का बजट। ये फिल्म कोई 5-7 करोड़ की नहीं बनी है, पिक्चर बनी है पूरे 50 करोड़ की। 50 करोड़ की मीन्स आपको 60 से 70 करोड़ का मिनिमम बॉक्स ऑफिस बिजनेस हो तो रिकवरी है। और जहां तक मेरी समझ है फिल्म का बिजनेस होगा लाइफ टाइम 45 करोड़ के आसपास। कोई लोग बोलते हैं डिसेंट है एवरेज है, सर ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है डिसेंट एवरेज की। या तो पिक्चर हिट है या फ्लॉप है, प्रोड्यूसर ने पैसा कमाया है या कमाया है, तो फिल्म डेफिनेटली एक लूजिंग फिल्म रहेगी बॉक्स ऑफिस पर। दुख की बात है कि राजकुमार राव कोई बड़े एक्टर नहीं है, शाहरुख खान अमिताभ जैसे, कि जिनकी फिल्मों का लोग वेट करें और एक ही महीने में उनकी दो फिल्में आ जाएं। 31 को यानी कि ये हफ्ते उनकी दूसरी फिल्म आ रही है मिस्टर एंड मिसेस माही। उम्मीद थी कि शायद पोस्टपोन कर दें क्योंकि फिल्म की गर्मी थी श्रीकांत की, और बॉक्स ऑफिस पर 3rd वीक में भी डेफिनेटली 5-7 करोड़ का बिजनेस करेगी पिक्चर। और प्रॉब्लम है कि मेकर को लग रहा है कि पिक्चर में पब्लिक शायद नहीं आएगी, इसीलिए फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो से टिकट का रेट है मात्र 99 रुपीज। 31 में 30 हाँ 31 जी हाँ 99 99। मतलब मेकर्स हिल गए कि पता नहीं पब्लिक घुसेगी नहीं घुसेगी, क्योंकि पिछले 5 महीने फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही खराब रहे हैं। सभी स्टारों की फिल्मों ने धूल चाट लिया है, मल्टीप्लेक्स आधे बंद हो गए हैं, बंद होने की तैयारी में है, कई जगह सिंगल स्क्रीन महीने भर 1.5 महीने के लिए बंद पड़े हुए हैं। ऐसे हालत में किधर फिल्म देखने जाएंगे सर? तारीफ हुई श्रीकांत की फिर भी लोग नहीं गए सर। और ये पता नहीं क्यों मिस्टर मिसिज माही आ रही है 31 को, क्योंकि 2 तारीख से आपका बड़ा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। राजीव जी आप किस तरह देखते हो मे का परफॉर्मेंस? मे का परफॉर्मेंस अगर देखें तो कोई भी फिल्म ने ठीक बिजनेस नहीं किया है। श्रीकांत का जैसे ये बता रहे हैं फिल्म का बिजनेस उतना नहीं हुआ है, बट क्या होता है थिएट्रिकल बिजनेस में, अगर पिक्चर समझो 50 करोड़ की है तो थिएट्रिकल अगर आपको सक्सेस देखना है बॉक्स ऑफिस तो पिक्चर को करना चाहिए 100 करोड़ का धंधा थिएट्रिकल में, तब तो आपको 40-50 करोड़ घर में आते हैं प्रोड्यूसर को। एग्जिबिटर ले जाता है ऑलमोस्ट 55% थ्रू या टैक्सेस वैक्सीन में, तो घर में फिर कुछ कमीशन भी जाती है तो आधे से भी कम मिलता है आपको। ऑनेस्टली स्पीकिंग 40 आता है, अगर 100 करोड़ का धंधा हुआ तो 40 करोड़ प्रिसाइसली उससे आसपास कहीं प्रोड्यूसर को आता है, मगर इसमें नहीं आया है। बट अभी क्योंकि ओटीटी भी एक टेरिटरी बन गई है, सैटेलाइट है, डिजिटल राइट्स है, इन फ्लाइट राइट्स है, कुछ डिफेंस से भी इनको मिलता है, अभी कुछ यहाँ वहां से चिल्लड़ बड़ी पिक्चरें ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, म्यूजिक गिव्स बिग मनी। तो अगर जैसे श्रीकांत ने तकरीबन 20-25 करोड़ नेट कमाया होगा अगर बॉक्स ऑफिस से, तो उन्होंने कोशिश की होगी कि मैं बाकी का निकालूं फ्रॉम ओटीटी, इंटरनेट, म्यूजिक, सैटेलाइट करके, शायद ये बहुत इधर उधर से हाथ पांव मार के मुद्दल हो जाएगी। तो उस तरह से हम उसको एवरेज फेयर बोल सकते हैं, जो ये इनका कहना है कि ड्रास्टिकली वी टॉक अबाउट ओनली बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस थिएटर्स, बट मैं बोलता हूं कि आज बॉक्स ऑफिस थिएटर्स तो खत्म हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरहिट फिल्म है अगर, और उसकी पब्लिसिटी सुपरहिट होती है हर जगह पे, तो ही चलती है, जैसे एनिमल चली, जवान चली, केरला स्टोरी चली, कश्मीर फाइल्स, तो वो उसकी जब आग निकलती है बाहर, लोग जब बात करते हैं, चर्चा होती है, तो अपने आप जाते हैं लोग, भले आप कितना भी मीडिया नेट से
क्रिटिक्स से, गोदी मीडिया से, जो भी आपको करना है छाप दो, फिल्म चलती है ऑन इट्स माउथ पब्लिसिटी टुडे, प्योरली माउथ पब्लिसिटी। तो श्रीकांत की माउथ पब्लिसिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितना जैसे इन्होंने कहा कि फिल्म की रिपोर्ट अच्छी निकली थी। फिल्म में कुछ फॉल्ट्स थे सेकेंड हाफ में, जिसकी वजह से लोगों ने उसको इतना पूरी तरह से पसंद नहीं किया। दूसरी देखो भैया जी, इट इज लाइक अ भोजपुरी फिल्म, क्यों बनाते हैं ऐसी फिल्म? ये फिल्म का सब्जेक्ट वो है जो 1970-1980 में धर्मेंद्र करता था कि भाई भाई उसका मर गया, भाई के बदला ले रहा है वो और उसकी आत्मा को शांति पहुंचा रहा है। कौन देखेगा ये सब फिल्म? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस टू रन इन मल्टीप्लेक्सेस? ये फिल्म इज रीजनल फिल्म। कोशिश कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स दिखाने के लिए कि बहुत कलेक्शन है, बट ऑनेस्टली फिल्म इज नॉट डूइंग वेल एट द बॉक्स ऑफिस एंड फिल्म इज अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। बट क्योंकि ओटीटी से भी पैसा निकालना है, इंटरनेट राइट्स है, दूसरे छोटे छोटे राइट्स बहुत हो गए, तो प्रोड्यूसर कोशिश करते हैं कि मैं कैसे इसको हिट बताऊं बॉक्स ऑफिस पे ताकि हर जगह चमक पहुंचे और मुझे वहां से पैसे मिल जाए। इट्स अ मार्केटिंग। अगर थिएटर में आप दिखाते हो कि फिल्म की चमक हिट हो गई है फिल्म, तो पैसे थोड़े ओटीटी से मिल जाते हैं, सैटेलाइट राइट्स चले जाते हैं, डीटीएच राइट्स चले जाते हैं, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट भी आजकल इंडिविजुअली एयर इंडिया, एमिरेट्स, ये इधर उनसे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। बट मे हैज बीन अ बैड मंथ, 2024 हैज बीन अ बैड। नहीं, जैसे भैया जी की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मनोज वाजपेयी अच्छे एक्टर हैं, ये उनकी 100वीं फिल्म है मनोज जी की, इंडस्ट्री में 30 सालों का तजुर्बा है उनको, आज वो सिर्फ ओटीटी के स्टार बनकर रह गए हैं। जब अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ जैसे एक्शन हीरो को देखने पब्लिक थिएटर में नहीं जा रही है, तो लगता है कोई गली का कुत्ता भी मनोज वाजपेयी को देखने थिएटर में जाएगा। ये मेकर्स की सरासर बेकूफी थी कि मनोज वाजपेयी को लेकर एक भोजपुरी स्टाइल में एक्शन फिल्म बनाए। फिल्म का वीक का कलेक्शन वीकेंड का मुश्किल से 4 करोड़। आज कौन डायरेक्टर प्रोड्यूसर बेकूफ है जो मनोज वाजपेयी को लेकर 30 से 35 करोड़ की फिल्म बनाए? बॉक्स ऑफिस में रिकवरी है उनकी जरा भी नहीं सर। आपको पता होगी जोरम आई थी, क्रिटिक्स ने 4-4, 5-5 स्टार दिए थे, फर्स्ट डे का बिजनेस था 5 लाख, डायरेक्टर को खाने के लाले पड़ गए थे, खाने के पैसे नहीं थे डायरेक्टर के पास, इतना बुरा हाल था डायरेक्टर का बेचारे का। ठीक है, 4 करोड़ का कोई बिजनेस कोई बड़ा बिजनेस नहीं है कि बोले कि फिल्म चल गई, पीआर जैसे अपनी एक्सरसाइज में लगे हैं, कलेक्शन डबल दिखा रहे हैं, लेकिन मनोज वाजपेयी एक स्ट्रिक्टली ओटीटी के स्टार बन के रह गए हैं। उनको फिल्मों से तौबा कर लेनी चाहिए कि वो थिएटर के लिए फिल्म बनाएगी, अगर करनी भी है तो 2-4-5 करोड़ की फिल्म बनाए, कम से कम मेकर का पैसा तो वापस आ जाए। जैसे सोहम शाह अच्छी फिल्म बनाते हैं, उनकी काल अच्छी थी, उनकी लव डिसेंट फिल्म थी, एक थ्रिलर बनाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेलर ने गड़बड़ कर दिया। ट्रेलर उन्होंने ऐसा दिखाया कि ये अंधविश्वास के ऊपर पिक्चर है, ज्योतिष के ऊपर है, टाइटल बुरी तरह से मार खा गया, कर्तम भुक्तम, लोगों को समझ में नहीं आया। ये थॉट बहुत अच्छा जाता है कि आदमी जो जैसा करता है वैसा भुगतता है, तो ट्रेलर में कभी भी कहीं भी आपको थ्रिल नजर नहीं आया, सिर्फ ज्योतिष ज्योतिष नजर आया। जबकि सेकंड हाफ में सोहम ने काफी अच्छी बनाई थी, काफी टर्न ट्विस्ट थे, थ्रिल था, मर्डर था, जो लोग देखेंगे सेकंड हाफ उनको डेफिनेटली पसंद आएगा। लेकिन आज की तारीख में श्रेष्ठ तलपदे कौन देखने जाएगा उनको बतौर सोलो हीरो? 20 सालों में उनकी एकमात्र हिट फिल्म सोलो आई है, वो है इकबाल। उसके बाद वो 4-5 हीरो के साथ 2-3 सीन कर लेते हैं, वहां तक ठीक है, उनको सोलो लेना मतलब सुसाइड करना है। तो मेरा मन डेफिनेटली बहुत ही खराब रहा। और एक हमारी सुपर स्टारनी, इंटरनेशनल स्टारनी की पिक्चर आ रही है दिव्या खोसला की सावी, क्यों बनाते हैं पिक्चर ऐसी सर, इतनी महंगी पिक्चर क्यों बनाते हैं? एक तो इंग्लैंड के विषय से हमें क्या लेने देना, इंग्लैंड के प्रिजन से अपने पति को छुड़ा रही है, भगा रही है। पब्लिक को ऐसी फिल्मों से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, लोगों को पिक्चर का नाम तक नहीं पता है कि सावी नाम की कोई पिक्चर आ भी रही है, और रिलीज को कितने दिन बचे, 2 दिन बीच में। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस माही की बज है, वेव है, मुझे लगता है मिस्टर एंड मिसेस माही विल अट्रैक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यहाँ पे सावी जैसे बात कर रहे थे, 2 प्रोड्यूसर है, एक मुकेश भट्ट है, एक टी सीरीज है। और मुकेश भट्ट ने ट्रेलर लॉन्च पे बोला भी कि ये फिल्म आपको शॉक कर दी, पब्लिक ही नहीं घुसे थिएटर में, शो कैंसिल हो गए, तो कितना बड़ा सदमा लगेगा सोचते थे, खुद मुकेश भट्ट को लगेगा सर फर्स्ट डे। स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोले थे डायरेक्टर डायरेक्टर अभिनय देव जो है रमेश देव जी का बेटा, अजिंक्य देव का भाई, ही हैज मेड लॉट ऑफ एड फिल्म्स, दिल्ली बेली बनाई थी, वो कुछ शौक देने वाली चीज बना भी सकता है, यू नेवर नो, ही इज अनयूजुअल,
इज अ गुड मेकर, बट वेदर इट विल क्लिक और नॉट बहुत मुश्किल है. आजकल जो बॉक्स ऑफिस चल रहा है इतना आसान नहीं है गोल मारना. Okay. यहाँ पे दोनों इसमें सर को लग रहा है मिस्टर और मिसेस माही चल सकती है. आपको क्या लगता है नरेंद्र? प्रमोद ठीक है, लेकिन वही क्रिकेट बैकग्राउंड, आपने उसकी पिक्चर देखी होगी रितेश देशमुख की, अपनी बच्ची को क्रिकेटर बनाता है, इसमें अपनी बीवी को क्रिकेटर बना रहा है. जर्सी हमने. और क्रिकेट बैकग्राउंड पे ना फिल्में आजकल नहीं चल रही, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड पे लोगों ने फिल्में देखना छोड़ दिया है. 83 की बड़ी पिक्चर बनाई थी कबीर खान ने, बना दी है ये पिक्चर, वापस चैंपियन भी स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है, हम बाद में बात करेंगे. तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड पे आजकल की फिल्में नहीं चल रही हैं सर. या तो आप रियलिस्टिक कुछ बनाओ, जैसे धोनी बनी थी. ये मे के मंथ की बात है, जो फिल्में रिलीज हो चुकी है उनका परफॉर्मेंस एंड दो जो फिल्में रिलीज होने वाली है उनकी बातें हमने की है. एक छोटी सी पिक्चर आ रही है छोटा भीम. छोटा भीम, यस, ये बच्चों की पिक्चर है. कभी दुख की बात, ये 31st को आ रही है. 31st, ओके. अभी प्रमोशन अनुपम खेर जी भी आए थे, सुखविंदर शान ने गाना किया, परफॉर्मेंस दिया. ये बच्चों की फिल्म, प्रॉब्लम क्या है आज की तारीख में बच्चों की फिल्म बनती नहीं है. पता नहीं बड़े मेकर्स क्यों घबराते हैं बच्चों की फिल्म बनाने के लिए, जबकि अगर अच्छी फिल्म बनाई जाए तो बच्चे अपने पेरेंट्स को खींच के लेके आते थिएटर में. तारे जमीन पर देखिए बच्चों की, देखिए ऐसी फिल्म बनती कितनी है, बहुत कम. गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है, मेकर रिस्क लेना नहीं चाहते, सब्जेक्ट शायद उनके पास ड्राई हो गया कि बच्चों के लेके क्यों बनाए, जबकि वही फॉरेन में कितनी एनिमेशन फिल्में बच्चों की लेके बनती है, कार्टून फिल्में बनती है. हमारा हिंदुस्तान में फ्रेंकली ये सेक्टर अभी भी जीरो है, किसी ने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया है कि बच्चे इतनी बड़ी तादाद में है उनको लेकर एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाई जाए. ये रहा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ऑफ द मे मंथ. एंड जो दो फिल्में आने वाली है, आप कौन सी सबसे पहले प्रेफर करोगे देखने के लिए जरूर हमको कमेंट्स में लिख के बताना. थैंक यू बोलूंगा आप दोनों को फॉर द ओवरऑल डिस्कशन ऑफ थैंक यू द फिल्म्स रिलीज्ड इन मे. थैंक यू.